लेकिन मैं चाहता हूँ कि सोनल से प्रेम की कविता अगर सुननी है तो उसका मन बनाइए। मैं उसे कहना चाहता हूँ कि जो संवारने से बनेगी ना कोई बात, उठिए किसी गरीब की किस्मत संवारिए। जोरदार तालियां बजाइए सोनल जैन, सूरत गुजरात। मेरे शहर के मेरे अपने बहुत प्यारे श्रोताओं को उन्हें प्रणाम करती हूँ, प्रतिष्ठित मंच को भी प्रणाम करती हूँ और आदरणीय शशिकांत जी बहुत शानदार संचालन कर रही हूँ, उनके शानदार संचालन को नमन करती हूँ। और अगर आपकी बात करूँ तो बहुत अच्छे से मुस्कुराकर हंसकर तालियां वालियां बजाकर आप कवि सम्मेलन का आनंद ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है, परंतु कुछ चेहरों पर अभी भी सन्नाटा है। वो बेटा पत्नी के साथ आए। कभी मैं सोचूं कि अनिल जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। कई तो पति अपनी पत्नी की तरफ देखते तब हंसते हैं। और तेरे काव्य पाठ में तो ये भी स्कोप ही है, क्योंकि यहाँ अगर उन्होंने तेरी कविता पे ताली बजाई तो घर जाके वो खुद बजेंगे। उन चेहरों को एक निवेदन देती हूँ और अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करती हूँ, अपनी यात्रा प्रारंभ करती हूँ। सुनिएगा, मन की बात कभी तो बताया करो, मन की बात कभी तो बताया करो, महफिलों में भी दिल को लगाया करो, हंसने मुस्काने से उम्र ढलती नहीं, हंसने मुस्काने से उम्र ढलती नहीं, इसलिए तुम सदा मुस्कुराया करो, इसलिए तुम सदा मुस्कुराया करो। क्या बात है सुमन जी, उम्र की बात पर आपके मोहल्ले से सबसे अच्छी प्रतिक्रिया आई। अपनी सभी युवाओं बहनों को मैं नमन करती हूँ, इनके प्रयास और समाज सेवी बजरंग जी अग्रवाल, इंद्रजी और अनिल जी के प्रयासों के कारण ही सूरत में ऐसे साहित्यिक आयोजन संभव हो पाते हैं, तो उनके प्रयासों को नमन करती हूँ। अभी अभी संजय जी ने बहुत शानदार काव्य पाठ किया, पार्थ जी ने, दोनों कवियों को आपने बहुत अच्छे से निपटाया, मेरा मतलब है सुना। और चाहती हूँ कि मेरे हिस्से का प्रेम भी आप मुझे प्रदान करें, चार पंक्तियां आपके आंगन में पढ़ती हूँ, सुनिए। नहीं पहले कहीं पर भी समंदर से ही मिलती है, मगर मंजिल भी केवल मुकद्दर से ही मिलती है, मगर मंजिल भी केवल मुकद्दर से ही मिलती है, मेरा दावा है घर
जलना है, कभी खामोश रह कर भी हमें पल पल मचलना है, कभी खामोश रह कर भी हमें पल पल मचलना है। न कर दे दूरियां हमने ये आपस की गलत फहमी, न कर दे दूरियां हमने ये आपस की गलत फहमी, जरा हमको बदलना है, जरा तुमको बदलना है, जरा हमको बदलना है, जरा तुमको बदलना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मन बनाया तो एक नुक्ता तो और पढ़ने का प्रयास करती हूँ और दावा करती हूँ कि आपको लगेगा कि आप ही के मन की बात कहीं ना कहीं है और दिल तक पहुँचे, हृदय तक पहुँचे। कोई बात आपको याद दिला दे तो अपना आशीष अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक पहुँचाइएगा। सुनिए, जो सुर दिल के तुम्हारे लबों तक आ न पाते हैं, आते हैं तुम्हारे बिन कहे भी हम तो सब कुछ जान जाते हैं। हमारा हो नहीं सकता कभी जो इस जमाने में, क्या बात है, हमारा हो नहीं सकता कभी जो इस जमाने में, न जाने हम अपना दिल लगाते हैं, न जाने क्यों उसी से ही हम अपना दिल लगाते हैं। वन स्मॉल वाली कोई बात नहीं है इसमें। और सोना रवि, तुम्हारी उम्र कम है, अनुभव कम है, मुझे पता नहीं, लेकिन बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं। दोबारे से गुस्ताखी इसमें मेरे को थोड़ी हिंदुस्तान के आदमी का चरित्र पता ही नहीं लगता है। अच्छा बच्चों की आप भी बताइए। सुनो, वो बाहर से अटल बिहारी होता है, अंदर से पूरा नारायण दत्त तिवारी। देखिए, मैं सूरत से हूँ, यहाँ की संस्था है कि बड़े मैं इनको समर्पित करती हूँ। फिर जुड़ना चाहूंगी कि औरों की अमानत से इजहार नहीं करते, औरों की तेरा मन देखे मुझे कि मैं इनको जवाब दूँ, अपना नहीं समझते हैं। औरों की अमानत से इजहार नहीं करते, एक जीवन में गलती सौ बार नहीं करते, संचालक होते हैं बिन पैंदी के मोटे, संचालक होते हैं बिन पैंदी के लोटे, इसलिए तो हमें इनसे तकरार नहीं। और बुजुर्ग होना तो ये प्रकृति का प्रदत्त नियम है, तुम भी बुजुर्ग होगी, तुमको भी एक दिन बुजुर्ग होना है। लेकिन बुजुर्ग के बारे में एक बार हमारे बड़े कवि ने कहा है कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत ये इनका हुनर गया है, इनके बाल ही सफेद है। और हिंदुस्तान में भी जितने भी पकड़ा रहे हैं वो सब 70 से ऊपर वाले हैं। आपने कभी सुना कि 27 साल का कोई नौजवान पकड़ा है? शादी करना चाहिए लड़कों की 21 साल, लड़कियों के 18 साल, और दिग्विजय सिंह ने उम्र तय की कि किस उम्र तक करना चाहिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम बड़े बुजुर्ग जितने भी लोग हैं वो आदरणीय होते हैं, विश्वसनीय बिल्कुल नहीं होते। और मैं अनुभव की दो पंक्तियां तुमको भेंट कर रहा हूँ कि इन बुजुर्गों को बुजुर्ग समझने की कभी भी गुस्ताखी मत करना, ये सब भूतपूर्व नौजवान है, क्योंकि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत ये इनका हुनर गया है, ये नए खबैये ये ना समझे नदी का पानी उतर गया। आप इनका फेस देखिए,
मेरी बात सुनो, मैं तो कोई निर्मल बाबा कहीं से लग नहीं रहा हूँ, मैं तो शुद्ध शालीन आदमी लग रहा हूँ। लेकिन अगर इसकी लाल ड्रेस होती, इसकी ड्रेस का कलर अगर लाल होता तो इसके हाथ में पीतल का छोटा सा त्रिशूल होता, समझ के हम तो ताली बजाते। पाया नहीं तो
मान लेती हूँ